नमस्कार, राधे राधे सभी छात्रों को। तो कल हम लोगों ने बात करी थी कि जो संविधान है, इस संविधान के अंतर्गत हमें किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है या विस्तृत अध्ययन करना है। एक बार आप सभी का एमडी क्लास कैरियर क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। तो हम लोग बात करते हैं कि संविधान एक एक टॉपिक, कल आप लोगों ने, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो एक बार पिछली क्लास जरूर देखें, वहां हम लोगों ने विषय वस्तु यानी कि सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग डायरेक्टली एक एक करके टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा होगा, तो फर्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे। पहला टॉपिक दो है, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। संवैधानिक विकास की प्रक्रिया, इस संवैधानिक जो विकास है उसकी प्रक्रिया क्या रही है, किस प्रकार से संविधान के निर्माण के साक्ष जो हमें मिलते हैं किस प्रकार से इसे डिस्कस करेंगे कि संवैधानिक विकास की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा व्यू आपको बताऊं, सभी ने पढ़ा होगा कि सन 1600 ईस्वी के अंदर अपने भारत में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वह एक अधिकार पत्र के आधार पर भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। थोड़ा सा मैं 5 मिनट आपके लूंगा बैकग्राउंड के लिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में एक अधिकार पत्र के आधार पर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अधिकार दिया गया और ये भारत में व्यापार करने के लिए आती है, लेकिन यह ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग देखते हैं 100-150 सालों तक व्यापार में लिप्त रहती है, भारत से ये व्यापार करती रहती है। लेकिन धीरे धीरे इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका जो रुख था वो व्यापार के साथ साथ आपको दिखाई देता है कि यही ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य के साथ साथ में इसने भारत की राजनीतिक गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट होना स्टार्ट कर दिया, यानी ये राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो जाती है। और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होती है यानी कि धीरे धीरे इसके भी स्वप्न होते हैं कि हम भारत पर शासन करें। उसी कड़ी में आगे देखें तो भारत में कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान दो बड़े निर्णायक युद्ध हुए थे, जो युद्धों के पहले की तस्वीर कुछ और थी, उन युद्धों के बाद की तस्वीर और थी। देखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं कि वो कौन कौन से ऐसे युद्ध हैं जिन्हें निर्णायक युद्ध कहा जाता है। निर्णायक युद्ध जो कहते हैं हम लोग वो किस किस युद्ध को कहा जाता है, एक बार इनकी भी बात कर लेते हैं। देखो, निर्णायक युद्ध मैंने कहा कि दो युद्ध है प्रमुख जिन्हें निर्णायक युद्ध की संज्ञा दी जाती है। नंबर एक, आपने सभी ने पढ़े होंगे और सबको रटे भी होंगे, पहला युद्ध है प्लासी का युद्ध। मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, स्टार्ट हम लोग संविधान ही करेंगे, पर कहते ना कि कहीं ना कहीं उसकी नींव मजबूत करना बहुत जरूरी होता है, आज हम वही काम करने वाले हैं। प्लासी का युद्ध सबने पढ़ा होगा, कमेंट करके बताएं कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। एक युद्ध और है प्यारे छात्रों, और वो दूसरा युद्ध कौन सा है, तो वो दूसरा युद्ध है बक्सर का युद्ध। एक तो बक्सर का युद्ध, और फिर ये भी आपने पढ़ा होगा कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में। सभी को याद आ रहा होगा, रिकॉल करें माइंड को, माइंड में सोचें कि ये बातें क्या हमको याद हैं। अगर याद है तो रिवीजन करें, और याद नहीं है तो उन्हें अपनी माइंड में स्टोर करें और फिर आगे रिकॉल करें। देखो, मैं यहां मैं बात करने वाला हूं प्लासी का युद्ध। सबको पता है कि प्लासी का युद्ध जो था उसके एक तरफ तो थे अंग्रेज और एक तरफ थे बंगाल के नवाब, याद करेंगे सभी लोग। और अंग्रेजों में आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट क्लाइव का, और बंगाल के नवाबों में नाम सुना होगा सिराजुद्दौला का। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ जिसमें अंततः अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और बंगाल के नवाब जो थे उनकी पराजय होती है। और इसी पराजय के साथ में अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप था वो किस में हो जाता है, तो आप कहेंगे बंगाल में, पहला युद्ध।
दूसरा था बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर, एक तरफ थे आपके बंगाल के नवाब, दूसरी बात करेंगे कि मैं लिख देता हूं, एक साइड में आपके बंगाल, एक साइड में अवध और एक साइड में थे आपके मुगल शासक सेना। और इसमें भी परिणाम वही निकला, और परिणाम क्या निकला देखो, तो इसमें भी अंग्रेजों की विजय होती है और ये तीनों की संयुक्त सेना की पराजय। जिस राजनीति में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप प्लासी के युद्ध से किया, उनका पूर्ण उद्देश्य जो बना वो बक्सर के युद्ध से हो गया और वो अब धीरे धीरे अपनी राजनीति में प्रवेश कर गई। अब राजनीति में प्रवेश किया तो सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि ब्रिटिश क्राउन जो थी, ब्रिटिश जो लंदन में थी, ब्रिटेन में थी, उसे इन चीजों के बारे में मालूम पड़ा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत गई थी वो धीरे धीरे वहां के शासन करना शुरू कर रही है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई उसका सर्वेक्षण किया गया, देखा गया, तो उसमें पाया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों के अंदर बहुत सारी ऐसी विसंगतियां पैदा हुई, भ्रष्टाचार वगैरह, निजी व्यापार, ये सब गतिविधियां धीरे धीरे भारत में बढ़ने को लगी। तो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए अपनी संसद में कुछ एक्ट पारित किए। अब अपन चलते हैं, और ये एक्ट जो पारित किए गए थे उनका मैं रोड मैप बनाऊं तो दो चीज याद रखेंगे कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री है उसके द्वारा ये दो चीजें अपन को ध्यान रखनी है। मैं यहां अब ये क्या क्या चीजें याद रखनी, देखो पहली इंपॉर्टेंट चीज, जो एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ रहे हो ना, EIC में लिख रहा हूं तो ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाए थे। और एक बात करेंगे हम लोग, भारत के शासन के लिए दो बनेंगे, एक तो डायरेक्ट भारत का शासन चलाने के लिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए, अगर मैं बात करूं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए एक्ट थे, उन एक्टों को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट, या फिर इन्हें हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट कह लो, या फिर हम लोग बात करें इनकी तो इन्हें पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। दो चीजें ध्यान रखेंगे, चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट। जो हम लोग बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए या निर्देशित करने के लिए, जो नियम कानून ब्रिटिश संसद के द्वारा, किसके द्वारा, जो हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री है उसके द्वारा जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो चीज। इधर भारत शासन को चलाने के लिए जिनका जिक्र करेंगे उन्हें हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। किस नाम से पढ़ेंगे? भारत शासन अधिनियम से पढ़ेंगे। पहली बात क्लियर ये करनी है कि कब हम रेगुलेटिंग एक्ट का नाम देंगे और कब भारत शासन अधिनियम कहेंगे। तो मैंने यहां आपको बताया कि जब भी कंपनी के शासन को चलाने के लिए या कंपनी को नियंत्रित करने की बात आएगी तो चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट, जब भी भारत के शासन करने के लिए बात आएगी तो भारत शासन अधिनियम। अब यहां पे देखें, कंपनी के लिए जो एक्ट आएंगे उनकी शुरुआत होगी 1773। कब स्टार्टिंग होती है इसकी, तो बात करेंगे हम लोग कि कंपनी को संचालित करने के लिए जो एक्ट आएंगे वो एक तो 1773 का एक्ट, इसके बाद कंटिन्यू 1781 का एक्ट, इसके बाद कंटिन्यू 1784 का एक्ट, नेक्स्ट इसके बाद 1793 का एक्ट, नेक्स्ट इसके बाद 93 के बाद जो एक्ट आता है
उसकी बात करें 1813 का एक्ट, नेक्स्ट अगर इसकी बात हम लोग देखें 1833 का एक्ट, और नेक्स्ट देखें तो 1853 का एक्ट। मैं यहां तक की बात करूं, ये सारे एक्ट जो थे उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य था कंपनी के लिए निर्देश देना, कंपनी के माध्यम से किस प्रकार से भारत का शासन करना है। लेकिन अभी अभी हमने बात करी कि कुछ निर्णायक युद्ध हुए थे, ऐसी 53 के बाद एक और युद्ध होता है, या उसे हम लोग कहते हैं 1857 का विद्रोह, कई सारे नामों से जानते हैं लेकिन जनरली अपन को ध्यान रखना है 1857 का रिवॉल्यूशन, 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह के बाद इस कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है, और इस कंपनी के आधार पर जो कंपनी के वेब में अनेक सारी चीजों में बदलाव होता है, और जो बदलाव किया जाता है उन्हीं बदलावों के आधार पर अपन लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर 58 के बाद 1861 का एक्ट आएगा, 1861 के बाद 1892 का एक्ट आता है, 1892 के बाद 1909 का एक्ट आता है, 1909 के बाद 1919 का आता है, और लास्ट एंड फाइनल अपन बात करें तो बात क्लियर। मैं यहां तक की बात कर रहा हूं, ये सारे एक्ट्स जो होंगे वो भारत शासन अधिनियम में, और इधर के जो सारे एक्ट्स हैं वो सारे एक्ट क्या कहलाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चार्टर एक्ट या रेगुलेट। विशेष रूप से किसी एक्ट को और अलग अलग नाम से जान सकते हैं, इस बात में कोई दोराय नहीं है, बट जनरली अपन लोग देखें तो इन सभी को चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट कहेंगे, और इन सभी एक्ट को भारत शासन अधिनियम। क्या यहां तक की बातें क्लियर है, तो सभी छात्र एक बार यस बोले और कि हाँ सर क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये जनरली याद रखनी है आपको कि कौन सा एक्ट है, कब स्टार्टिंग होती है। अगर कभी पूछ लेता है कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, अगर पूछ लेता है अंतिम रेगुलेटिंग एक्ट 1853 का, पूछ लेता है पहला भारत शासन अधिनियम 1858 का, देखो जनरली बातें कहीं से भी आ सकती हैं, अपन को पकड़ के रखनी है। पहला भारत शासन अधिनियम 1858 का, अंतिम भारत शासन अधिनियम 1935 का, है ना, ये सारी बातें। कहां से कौन निर्णायक युद्ध, तो मैंने पीछे बात करी थी कि जब भी अगर कभी पूछे कि भारतीय ब्रिटिश शासन के दौरान किन युद्धों को निर्णायक युद्ध कहा जाता है, आप कहेंगे सर एक तो प्लासी का युद्ध, और किसे कहेंगे तो दूसरा बक्सर का युद्ध। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, यहां सवाल आया हुआ है किन युद्धों को निर्णायक युद्ध, नहीं आया हुआ तो मुझे बात करें आप, और फिर इनके बाद ये ईयर्स पूछ लेता है कब बक्सर का युद्ध हुआ, जब मैच द फॉलोइंग के सवाल आते हैं कि निम्न में से सम्मिलित कीजिए, एक साइड में युद्ध और एक साइड में ईयर लिखा होता है, कभी कभी शासन से भी सवाल आ जाता है किस किस के मध्य ये युद्ध हुआ। इस तरीके की बातें रिकॉल अगर माइंड में हो रही हैं तो आप सही पथ पर चल रहे हैं। अगर आपको ये चीजें याद है और रिकॉल हो रही है तो आप सही है, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, तो हम लोगों ने बात करी इसके अंदर सबसे पहले था उसे हम लोग कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही चीज है, रेगुलेटिंग एक्ट ही कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं चार्टर अधिनियम कह लेते हैं। अच्छा, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। देखो सबसे पहली 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, पहली विशेषता लिखेंगे प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट, बात क्लियर। दूसरी विशेषता, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका ऑब्जेक्ट क्या था, यानी कि उसका उद्देश्य क्या था। एक एक करके देखो समझ जाए सभी लोग, मैं लिंक करके बताऊंगा। पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, तो प्यारे दोस्तों उद्देश्य इसका जो था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक तो नियंत्रण करना, और दूसरा था इसमें जो कर्मचारी थे उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना। देखो भ्रष्टाचार यहीं से स्टार्ट हो गया,
दो बातें, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करना और एक भ्रष्टाचार को रोकना, दो ऑब्जेक्ट या उद्देश्य थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। और इसके बाद देखो, मैं यहां एक बात नोट में लिख देता हूं कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ बातें इसके वेब में याद रखनी है। रॉबर्ट क्लाइव जो था वह फर्स्ट बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर था। दूसरी बात करें हम, 1765 में इसने बंगाल में द्वैध शासन की क्या की थी शुरुआत। इसके बाद देखो, इस एक्ट के द्वारा 1773 में ही बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, द्वैध शासन को समाप्त। जो द्वैध शासन किसने स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, पहली विशेषता। नेक्स्ट देखें, इसी 73 के एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों पर और एक निजी व्यापार, इन तीनों पर प्रतिबंध लगा दिया। कहने का मतलब है, कोई भी कंपनी का कर्मचारी ना तो किसी भारतीय व्यक्ति से भेंट ले सकता है और ना ही वो किसी भारतीय व्यक्ति से उपहार ले सकता है, और साथ ही साथ ना ही उसे, अगर हम बात करें तो भारत में निजी व्यापार करने का अधिकार है। देखो, दो तीन बातें यहां पे ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी बातें याद रखेंगे। तो मैंने आपको बात करी यहां पे कि सबसे पहले कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण किया गया, दूसरी बात हमने बात करी इस एक्ट के द्वारा भ्रष्टाचार जो था इसे रोकने का प्रयास किया गया, तीसरी बात हमने करी कि 1773 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इधर में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कुछ बातें हमने डिस्कस करी, पहला बंगाल का गवर्नर था, 1765 में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को भेंट उपहार निजी व्यापार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद और क्या हुआ देखो, मैं यह शॉर्ट में लिख देता हूं कि हम पढ़ रहे हैं 1773 का एक्ट, इस एक्ट की और क्या विशेषताएं थी, तो और विशेषताओं की बात करें। देखो, अगली विशेषता थी कि इसी एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था, इस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यहां दो सवाल देखो, अभी मैंने डिस्कस किया था कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन अगर अंतिम पूछ लेता है तो अंतिम में आप आंसर लगाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो अंतिम होगा वही अगले वाले का क्या बनेगा, तो फर्स्ट बनेगा। तो फर्स्ट भी कौन बनेगा, तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स। देखो, जो अंतिम होगा वही पहला बनेगा, और पहला बनेगा वारेन हेस्टिंग्स। दो बातें यहां क्लियर, जो अंतिम होगा गवर्नर जनरल वही पहला गवर्नर जनरल बनेगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, पहला मैंने अभी लिखाया रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद इस एक्ट की एक विशेषता और देखें तो इस एक्ट के द्वारा भारत में, मैं नेक्स्ट पेज पर लेता हूं इसको,
इस एक्ट के द्वारा भारत में और भारत में भी कहां पर कलकत्ता, इस कलकत्ता में क्या किया गया कि इस एक्ट के द्वारा एक इसका गठन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का गठन। याद रखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जा रहा है, दो तीन बातें ध्यान रखनी है। कब किया गया गठन, तो ध्यान रखेंगे 1774 में। नेक्स्ट, कितने सदस्य थे, आप कहेंगे एक तो इसका सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या मैं कह सकता हूं एक तो इसका था मुख्य न्यायाधीश और नेक्स्ट इसमें बात करें तो तीन इसके अंदर। इस प्रकार से टोटल देखा जाए तो ये कितने सदस्य था, आप कहेंगे सर ये चार सदस्य सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। एक सवाल यहां से और आ जाता है, इसका फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो आपका आंसर आएगा सर एलिया इम्पेम। बहुत सवाल आता है ये, तो इसका पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था सर एलिया इम्पे को। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इसके और प्रीवी काउंसिल जो थी वो कहां पे थी, लंदन। मतलब है अगर आप इसके आदेश से संतुष्ट नहीं है, इसके फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो आपको लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार था। इसलिए कहा जाता है कि अंततः ये जो संस्था थी वो कहीं ना कहीं भारत के लिए सर्वोपरि थी, इसका डिसीजन मानना था, लेकिन फिर भी अपील करने का अधिकार प्रीवी काउंसिल को दिया गया जो कहां पे थी, लंदन में। मैं बात कर रहा हूं भारत में सुप्रीम कोर्ट के गठन की किस एक्ट के आधार पर किया जा रहा है, तो आप कहेंगे 1773 के एक्ट के बिहेव पर किया जा रहा है। गठन कब हुआ 1774 में, कितने सदस्य था, चार, एक मुख्य न्यायाधीश, तीन अन्य न्यायाधीश। फर्स्ट कौन था, सर एलिया इम्पे। आदेश के विरुद्ध अपील कहां कर सकते हैं, प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल कहां पे थी, आप कहेंगे लंदन में। कहां पे थी, लंदन में। इतनी सी बात याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखो मैं एक बार फिर इसको रिवाइज कराऊं इस एक्ट के बारे में। पहला एक्ट इसलिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट है अपने लिए। सबसे पहले 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट था, उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण और भ्रष्टाचार को रोकना। 73 के एक्ट के द्वारा बारे नेस्टिंग्स जो थे उसने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। इस समय भारत राज्य बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जबकि इसने 1765 में द्वैत शासन की शुरुआत की भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कर्मचारी थे वो भेंट उपहार निजी व्यापार इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया इस एक्ट के द्वारा। बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, अंतिम गवर्नर बारे नेस्टिंग से, इसलिए बारे नेस्टिंग से ही पहला गवर्नर जनरल बनता है। आगे हम लोगों ने बात करी इसी एक्ट के द्वारा भारत में कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, जिसका गठन 1774 में किया गया था। चार सदस्यीय ये सुप्रीम कोर्ट था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, तीन अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश पूछेगा आपसे तो सर एलिया इम्पे थे। आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्रीवी काउंसिल में था, जो प्रीवी काउंसिल कहां पे थी, तो आप कहेंगे लंदन में। कहां पे, बातें अपन को याद रखनी है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ये अपने एग्जाम के बेस पर ध्यान रखना है। इसी 73 के एक्ट के लिए
इसकी समीक्षा करने के लिए 81 वाला आता है, लेकिन उसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप करते हैं। बस इतना का ध्यान रखना है 1781 का जो एक्ट था वो 1773 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए आया था, साथ ही साथ उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। इतनी जी दो पॉइंट उसके बारे में आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा एक्ट जो है वो आता है आपका 1784 का एक्ट। ये थोड़ा सा अपने लिए इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है वो सारी बातें आपके सामने है। देखो सबसे पहले इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया, और उस समय ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री जो थे वो थे विलियम पिट, इसलिए इसको विलियम पिट के द्वारा क्या किया गया था, पारित किया गया। अब विलियम पिट थे इसलिए विलियम पिट के नाम पर ही इस एक्ट को, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इस एक्ट को आपसे कभी कभी पूछेगा पिट्स इंडिया एक्ट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है 1784। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय ब्रिटिश संसद के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे, इस विलियम पिट के द्वारा ही इस प्रस्ताव को पेश किया गया था, इसलिए इसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। और देखो आगे, इसके अलावा इस एक्ट की और क्या विशेषताएं थी, इस एक्ट की विशेषता यह थी कि इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी थी, इस कंपनी के कार्यों का विभाजन किया गया, और कार्यों का विभाजन जो किया गया था उसकी बात करें हम लोग, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कार्यों का जो विभाजन किया गया था उसमें कंपनी के एक तो व्यापारिक और एक आपके कौन से बनेंगे राजनीतिक, बात कर रहे हैं 1784, युद्ध हो चुके हैं 1757 और 1764 का, इसलिए कंपनी व्यापार के साथ साथ राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है, जरूरत पड़ी कि कंपनी को के कौन से कार्य व्यापारिक होंगे कौन से राजनीतिक होंगे, और इस व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों के लिए ही कि कंपनी जो है इन कार्यों के लिए ही अगर हम बात करें तो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में 1784 में फिर से एक बार द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, और ध्यान रखना कि यही प्रणाली 1858 तक, एक बात कॉमन सी याद रखना है, 1784 में लागू द्वैत शासन प्रणाली 1784 से लेकर के और 1858 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत क्या किया गया अगर इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत दो प्रमुख निर्णय थे कि भारत में दो संस्थाओं का गठन किया गया, एक का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक को कहते थे निदेशक कोर्ट, एक को कहते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड। इनके कार्य क्या थे, देखो जो कंपनी के कार्यों का पृथक्करण किया गया था कि व्यापारिक और राजनीतिक, अब मुझे एक चीज बताओ, डायरेक्टर जो होता है वो व्यापार में होता है राजनीति में, तो आप कहेंगे सर डायरेक्टर पद जो है वो तो व्यापार में होता है, किसी कंपनी का डायरेक्टर किसी संस्था का डायरेक्टर, इसका मतलब है जहां डायरेक्टर था वहां पे इस डायरेक्टर का काम था कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखरेख करना। मैंने कहा कंट्रोल किस पर होता है, तो आप कहेंगे सर कंट्रोल राजनीति पर होता है, इसलिए जहां पर भी कंट्रोल होगा वहां करेंगे राजनीतिक कार्यों की या राजनीतिक मामलों की, तो ये राजनीतिक मामलों की देखरेख करेगा, बात क्लियर।
फिर से देखना है। 84 का एक्ट ब्रिटिश संसद के जो पीएम थे विलियम पिट के द्वारा इस प्रस्ताव को पेश किया गया, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इसके द्वारा कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया गया, व्यापारिक और राजनीतिक कार्य। 84 के एक्ट के द्वारा दल शासन प्रणाली शुरू की जाती है जो 1858 तक लागू रहती है। इसी एक्ट में जब दल शासन लागू की, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मैंने कहा डायरेक्टर व्यापार में होता है तो ये व्यापारिक मामलों को देखेगा, मैंने कहा कोर्ट राजनीति में, तो इसलिए कोर्ट अगर कंट्रोल अगर राजनीति है तो राजनीतिक मामलों को देखेगा। इस तरह से इंटरलिंक करके हम इसको याद रख सकते हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नाम क्या होगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो मैं यहां लिख देता हूं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके द्वारा एक काम और किया गया था, देखो जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उस मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया? तो आप कहेंगे 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। यह 84 का एक्ट था। आज का हम अंतिम एक्ट की बात करें 84 के बाद, अंतिम एक्ट में देख लेते हैं, एक छोटा सा एक्ट है 1793 का एक्ट। अच्छा, शुरुआत में आप याद करो एक चीज बताई थी कि दोस्तों जो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी वो एक अधिकार पत्र आदेश पत्र लेके आई थी। इस एक्ट के द्वारा क्या कि उस आदेश पत्र का हो गया समय अवधि पूरी। इसलिए ध्यान रखना है कि इस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र की जो समय सीमा थी, उस समय सीमा को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। यानी अब कंपनी 20 साल तक भारत में और व्यापार कर सकती है, पहला काम। दूसरा काम आपने पढ़ा है कि इसी समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इस लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत होती है। तो इस स्थायी प्रणाली जो थी, इस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू कर दिया गया। तीसरी इस एक्ट की मुख्य जो बात है वो क्या है? तो तीसरी मुख्य बात की हम लोग जिक्र करें तो तीसरा मुख्य पॉइंट जो है वो है कि इसी एक्ट के द्वारा 1793 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, इन कर्मचारियों को जो वेतन था वो वेतन भारत के राजस्व से देना शुरू किया। बात याद रखनी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है, एग्जाम में आती है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की शुरुआत होती है? वो होती है 93। यानी जो कंपनी का कर्मचारी भारत में व्यापार कर रहा है, भारत में है, उसे जो वेतन वगैरह दिया जाएगा वो भारत से ही जो इनकम हो रही है, राजस्व आ रहा है, उसी राजस्व से दिया जाएगा। ये व्यवस्था की गई थी 1793। तो हमने बात करी थी, देखो मैं एक बार दो मिनट में रिवाइज कराता हूं। हम बात कर रहे थे संवैधानिक विकास की प्रक्रिया की, इसके तहत हमने पढ़ा कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है एक आदेश पत्र या अधिकार पत्र के आधार पर, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा उसे दिया गया था। धीरे धीरे वही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की राजनीति की ओर रुख करती है, राजनीति में सहभागिता करती है, जिसके आधार पर हम देखते हैं 1757 का प्लासी और 64 का बक्सर युद्ध, इनके बाद इनको निर्णायक युद्ध कहते हैं। इसके बाद कंपनी जो थी उसका व्यापारिक उद्देश्य के साथ साथ राजनीतिक उद्देश्य भी उसके एजेंडा में शामिल होते हैं। इस बात का मालूम ब्रिटिश क्राउन को चलता है, तो ब्रिटिश क्राउन कंपनी को नियंत्रित करने के लिए 1773 में सबसे पहले कानून बनाती है जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है।
ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट था जो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि कंपनी को नियंत्रण करना और कंपनी के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना या समाप्त करना। इसके द्वारा कैसे रोका जाए, तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था वो भारत में न तो भेंट ले सकता है, ना उपहार ले सकता है, और ना ही वो अपना पर्सनल बिजनेस निजी व्यापार कर सकता है। इन पर लगा दिया प्रतिबंध। और क्या किया, अगर ऐसा कोई करता है तो उसकी सुनवाई के लिए भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के गठन का आदेश दिया, जिसका पालन करते हुए 1774 में कलकत्ता के अंदर फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जो 4 सदस्यीय था। मुख्य न्यायाधीश सर एलिया इम्पे को बनाया गया था। अगर कोई व्यक्ति इसके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो लंदन की प्रीवी काउंसिल में जाकर के क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की। फिर इसके अलावा और क्या किया, इसी के अंतर्गत कहा गया कि बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, जिन्होंने 1765 में बंगाल के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, उसे 1773 के अंदर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स अंतिम बंगाल के गवर्नर और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इतनी सी बात 1773 में पड़ी। इसके समीक्षा के लिए 1781 के अंदर एक एक्ट लाया गया था, लेकिन उस एक्ट की विशेषता ज्यादा नहीं है, बस इतना का ध्यान रखना है कि इसके द्वारा 73 के एक्ट की समीक्षा की गई और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच समन्वय या सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया गया। फिर आता है 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट को अगर हम बात करें तो ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा प्रस्ताव को लाया गया, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता थी कि कंपनी के कार्यों का पृथक्कीकरण कर दिया गया कि कंपनी के कौन से कार्य राजनीतिक होंगे और कौन से कार्य व्यापारिक होंगे। इसी आधार पर कंपनी में इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की भारत में शुरुआत कर दी गई और इसके माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी वो कंपनी के डायरेक्टर यानी कि व्यापार के मामलों को देखेगी, कोर्ट यानी कि राजनीति वो राजनीतिक मामलों को देखेगा। तो कंट्रोल बोर्ड जो है वो राजनीतिक मामलों को देखेगा और डायरेक्ट कोर्ट जो है वो कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखरेख करेगा। इस यह द्वैध शासन प्रणाली सवाल आता है कि कब लागू हुई 1784 के एक्ट में, कब तक रहेगी 1858 के एक्ट तक। और यहां से बात करी हम लोगों ने कि 1784 के एक्ट के अंतर्गत और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उन्हें बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और इसके बाद अंतिम स्लाइड्स में हम लोगों ने पढ़ा 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट की क्या विशेषताएं थी, सबसे इंपोर्टेंट 1793 के इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की शुरुआत की गई। और क्या विशेषता थी, इसके द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र या आदेश पत्र की जो समय सीमा थी उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और क्या किया गया, इसी समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि हाँ इस क्लास से बेनिफिट होगा, तो इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं, ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं उनका रिविजन जरूर करें अगली क्लास में आने से पहले और आने के बाद, आपको सारी चीज क्लियर होंगी। और प्रीवियस ईयर के कोई भी आप सवाल उठाएं किसी भी किताब के, करके देखें जहां तक है वहां तक सवाल आपके स्लाइड से होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। कि अगर मान लो पॉलिटिकल के अंदर आपको 8 से 10 सवाल कहीं मिलते हैं तो ये गारंटी है मेरी कि 6 से 7 सवाल आपकी अपनी इसी क्लास से हो जाएंगे। मैं वो चीज निकाल के लाऊंगा काफी सारी किताबों की जो आपने देखा भी नहीं होगा, लेकिन उनका सामना आपका या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से होगा या आपके एग्जाम से होगा। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।